हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, उसकी सबसे पहले मैं जो बेसिक है, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें मतलब उसके कारण पदार्थ के अंदर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है ना, वही आवेश है। बस इतना समझ लो आप तो, कि कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब किसी भी वस्तु को खींचने और दूर भगाने का गुण होता है, वही क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। अब चलिए देखते हैं हमारी डेफिनेशंस क्या कहती हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये, कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत आंतरिक गुणधर्म होता है। मतलब आवेश है ना, वो किसी भी पदार्थ का मूलभूत आंतरिक, ठीक है ना, मतलब आंतरिक होता है, अंदर से होता है ये। ठीक है, तो ये आपकी पहली डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटना ही संपन्न होती है। मैंने आपको अभी बताया ना, अभी समझाया कि कोई पदार्थ है उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटनाएं होती है ना, वो पदार्थ क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आवेश होता है। तो वही मैंने इस डेफिनेशन में लिखा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटनाएं संपन्न होती है। ठीक है ना, आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटनाएं संपन्न होती है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन। आप जो डेफिनेशन चाहो वो याद कर सकते हो, बहुत इजी है। देखिए थर्ड वाली डेफिनेशन क्या कहती है। थर्ड वाली ये है कि कोई भी चालक है, यानी कि किसी चालक में एकांक समय में, एकांक समय का मतलब क्या है, टी टी जो है, यानी टाइम जो है वो कितना होना चाहिए, एक सेकेंड का होना चाहिए। ध्यान रखना, फिजिक्स में टाइम की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो टाइम का मात्रक होता है, वो सेकंड होता है। ठीक है ना, आपको इसमें मिनट में काउंट नहीं करना है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो एकांक समय में, यानी कि टी बराबर एक सेकंड में, प्रवाहित धारा की मात्रा उस चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चालक है उसमें एकांक समय में, यानी कि टी बराबर एक सेकंड में, प्रवाहित धारा, यानी कि कोई भी चालक पदार्थ है उसमें एक सेकंड में प्रवाहित धारा की मात्रा उस चालक में उपस्थित आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है I बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्या है, I बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, आवेश है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जहां I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा, I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा, और क्यू क्या है हमारे पास, चालक में प्रवाहित, यानी कि सॉरी, चालक में उपस्थित आवेश। ठीक है ना, चालक में उपस्थित आवेश यानी चार्ज, और टी क्या हमारे पास, समय है। अब टी क्या, मैंने बताया था कि टी हमको एक सेकंड लेना है, तो यहाँ पे जब मैं एक रखूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू। तो वही तो मैंने इस डेफिनेशन में बताया आपको, कि कोई भी चालक है उसमें एकांक समय में, यानी कि टी बराबर एक सेकंड में, प्रवाहित धारा की मात्रा, ठीक है ना, यानी आई, उस चालक में उपस्थित आवेशों की मात्रा के बराबर होता है, यानी कि क्यू के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो हमारी फोर्थ डेफिनेशन है वो देख लीजिए, वो क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा, किसी चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा व समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, कोई भी चालक है उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा, यानी कि I, व समय के गुणनफल को, यानी कि T के गुणनफल, यानी कि हमको क्या करना है, सिंपल, धारा और समय को गुणा करना है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको विद्युत आवेश की जो ये चारों डेफिनेशंस हैं वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।